الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر میاں فاروق احمد صاحب آپ خانے وال تو آپ ہر سال دی طرح ہی سال بھی محفل دی زینت بن دے پین میں آپ کو جی ہیں گواداں خوش آمدید دادا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود و سلام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دل کھول کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج کی یہ مبارک بزم سعید ذکر اہل بیت ذکر شہداء کربلا بالخصوص ذکر تاجدار مدینہ و کربلا امام جنت مقام آقا و مولا حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ رونق محفل حضور قبلہ پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ میاں فاروق احمد شاہ صاحب زید مجدکم ادام اللہ فجودکم علینا و علی جمیع المسلمین بانی محفل آل رسول محترم جناب سید حسیب احمد شاہ صاحب گیلانی محترم جناب برادر عزیز سید محمد شہزاد شاہ صاحب گیلانی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو عزیزم جناب نجم القرا قاری محمد شہزاد تارڑ صاحب برادر عزیز محترم قاری شاہد علی صاحب اور اس اسمبلی کے سپیکر قاری طالب حسین میروی صاحب اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے آپ سب حضرات میرے بھائی محمد عمران فرد صاحب اور صابر حسین صابری صاحب میرے ماشاءاللہ بہت قریبی عزیز ہیں حاضرین ہم
आज जिस निस्बत से हाजिर हैं वो निस्बत है गुलामी अहले बैत। आगाज़ गुफ्तगू में नसीहत के अंदाज में मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अहले बैत से कभी रस्मी ताल्लुक न रखना। तवज्जो फरमा रहे हैं, अहले बैत से कभी रस्मी ताल्लुक न रखना। सारी दुनिया ही उनसे ताल्लुक रखती है, मगर उनसे वो जो बिरादरी के तौर पर राह और रस्म के तौर पर, वो जो सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक न रखना। कामयाबी की जमानत है इस दर की गुलामी, मगर शर्त यह है कि ताल्लुक खुद भी हो और उस ताल्लुक का एहसास रगों में दौड़ने वाले खून से लेकर अक्ल की गहराई तक और रूह की गिराई तक, अगर खुशबूए हुब्बे हुसैन मौजूद न हो, मुमकिन ही नहीं है कि बंदा कामयाब हो सके। जिस दिल में जिस सीने में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, वो दिल वो सीना किसी मोमिन का नहीं हो सकता। तो आयत का तबर्रुकन सिर्फ तर्जमा करते हैं और बग़ैर किसी ताखीर के रिवायात की जानिब बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे ज़िक्र के लिए ऐसे मौसम का होना ही ज़रूरी है। आप यहाँ आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, इन्ना आतीना कल कौसर, सिर्फ एक तर्जुमा मैं करूँगा कि बेशक ए हबीब, हमने आपको सैयदा जहरा जैसी बेटी अता की है। फसल रब्बी का वनहर, बस आप नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें अपने रब की खातिर। इन्ना शानिया का हुआ लबतर, बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। तफसीरी मकामात की तरफ जाते हैं तो मुझे बहुत सारे उसमें दिक्कत है, वक्त की नज़ाकत है। मैं रिवायत की जानिब बढ़ रहा हूँ। जो सबसे पहले रिवायत में अर्ज़ कर रहा हूँ, क़िबला भाई मोहम्मद शाहजाद शाह साहब, मेरा दिल रोशन हुआ है, मेरा यकीन है कि आपका ईमान भी ताज़ा होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी शरीफ में। इस्लाम की तारीख की एक बुलंद मर्तबा खातून है, उनका इस्म मुबारक है उम्मे ऐमन। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कनीज है, हजूर के वालिद गिरामी की कनीज है। सरकार को जिन चार माओं ने दूध पिलाया है, रिजाई माएँ, उनमें एक उम्मे ऐमन है। ये खुश नसीब खातून है इस्लाम की तारीख की। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है, हजूर के सारे बेटों को दूध पिलाया है, हजूर के सारे बेटों को झोली में उठाया है, हजूर की सारी बेटियों को झोली में उठाया है, फिर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की सारी औलाद को झोली में उठाया है। इनका नाम है उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा। तवीरुल उम्र बुलंद मर्तबा खातून, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, उम्मे ऐमन ने पका हुआ खाना सरकार की बारगाह में पेश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा उठाया, दस्तरखान उठाया, वो जो खाना था वो उम्दा परिंदे थे। ये परिंदे इस ख़ास मौसम में अरब में दाखिल होते थे, ये कदावर परिंदे हैं, ख़ास मौसम में आने वाले। फिर ये उनमें भी उम्दा नस्ल के थे और उम्दा कदोकामत के थे, एक तैयार परिंदे, अच्छा शिकार था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा उठाया, परिंदे देखे, खुश हो गए और फिर फरमाए, उम्मे ऐमन,
ये परिंदे कहां से आए? अर्ज की लजपाल, ये परिंदे कल खाना बदोश साहबा इकराम आए थे, बदवी साहबी, वो जो खैमों की जिंदगी बसर करते हैं वो लोग, वो हाजिर हुए थे और आपके लिए खास तौर पर ये परिंदे लेकर आए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो ये हुक्म दे रखा है कि जिस रोज गोश्त आए उसी रोज पकाया जाए, आपने ये कल क्यों नहीं पकाया? आप ना घबराएं, ये हुक्म हमारे लिए नहीं है, ये हुक्म अहले बैत के लिए है। मैंने हुक्म दे रखा है कि कल क्यों नहीं पकाया, हमारे लिए तो ये है कि कुर्बानी का गोश्त आप अगले साल यौम अरफा तक खा सकते हैं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए, यानी अगर हालात इजाजत दे रहे हो तो आप एक साल के कुर्बानी का गोश्त अगले साल कुर्बानी से एक दिन पहले तक यानी यौम अरफा तक खा सकते हैं। इसके बाद भी हराम नहीं होगा लेकिन अब मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अहले बैत के लिए हुक्म यह था कि जिस रोज गोश्त आए उसी रोज पका लिया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क्यों नहीं पकाया? अर्ज की लजपाल, आप खाना खा चुके थे, अगर हम पकाते सारे लोग खाते पर आप ना खाते, वो बड़े शौक से आपके लिए लाए थे, हमने उनकी दिलजोई करते हुए हमने एक दिन इंतजार कर ली, सरकार आज पका लिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खातून माँ का दर्जा रखती थी, इसलिए कोई मजीद बात नहीं फरमाई, सवाल फरमाया और बात खत्म हो गई। यूं हाथ उठाए, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला रावी है, 12-14 बरस की उम्र थी, वो फरमाते मैं दरवाजे पे दरबानी कर रहा था, मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाह इस खाने में उस बंदे को भेज दे अपने बंदों में जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो, जिसे तू बहुत चाहता हो, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता हो, उस बंदे को हमारे साथ इस खाने में शामिल फरमा दे। ये दुआ की, दुआ खत्म हो गई। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला कहते मैं दरवाजे पे खड़ा था, इतने में मैंने देखा कि खुशबुओं का हजूम था, खुशबू फैलने लगी और रोशनी हो गई और मैंने निगाह उठाई तो मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ ला रहे थे। वो आए और मेरी तरफ देखा और फरमाया, अनस मैंने सरकार से मिलना है। मैंने अर्ज की, लजपाल सरकार तो मसरूफ बैठे हैं। फरमाया, वो वापस चले गए, मौला अली पाक वापस चले गए। फिर वक्त गुजर गया, एक वक्त अरसा गुजर गया, यानी कुछ पहर का हिस्सा गुजर गया या पहर वक्त का गुजर गया, कोई और ना आया इस पर्स में, कोई और ना आया। मैंने देखा फिर खुशबू हुई, फिर रोशनी हुई, फिर मैंने देखा अली आ गए, मौला अली पाक आए। वही सवाल किया, अनस मैंने सरकार से मिलना है। मैंने अर्ज की, लजपाल सरकार तो मसरूफ बैठे हैं। फरमाया, फिर चले गए, वो मालिक हैं, वो अहले बैत हैं, वो अंदर आ सकते हैं, मगर सजन जिसको दरवाजे पे खड़ा कर दे उसका अदब करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। फरमाया, दूसरी बार जब मैंने अर्ज की कि सरकार मसरूफ बैठे हैं, कोई माथे पे शिकन नहीं, वापस चले गए। फरमाते हैं, फिर तीसरी मर्तबा मैं इंतजार में था, फिर कोई नहीं आया, फिर मौला अली पाक आ गए, सरकार मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजहुल करीम तशरीफ लाए। अभी मुझसे पूछा नहीं था कि अंदर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हो गई, फरमाया, या अली अल्लाह और उसका रसूल आपके इंतजार में है। आपको सुभान अल्लाह की मुकम्मल इजाजत है, अल्लाह और उसका रसूल आपके इंतजार में है। भई अजीजान ग्रामी कद्र, खुशबूए जसद अतहरे अली ने नबूवत के मशा में जान को मुअत्तर किया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, या अली अंदर आ जाइए, अल्लाह और उसके रसूल को आपकी इंतजार है। हजरत मौला अली पाक चले गए, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं, सरकार ने उनको सामने बिठाया, दस्तरखान से कपड़ा उठाया, परिंदे को हाथ में लिया और उसके टुकड़े कर दिए और टुकड़ा खुद खाते और एक टुकड़ा मौला अली पाक को खिलाते, मोहब्बत फरमाते रहे, अपने हाथ से खाना देते रहे और फिर थपकी दी, शाबाश दी, फिर दुआ बख्शी,
फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, रवाना किया। फरमाया जब मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम चले गए, उन्हें कुछ नहीं बताया, मुझे बुला लिया, फरमाया अनस अंदर आ जाओ। मैं अंदर पहुंचा, सरकार नाराज नहीं हुए, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया, मुझे ड्यूटी से माजूल नहीं किया, धुतकारा नहीं, मुझे ठोकर नहीं मारी, सख्त कलामी नहीं फरमाई, इनायत की एक नजर की और मुझसे फरमाने लगे अनस अल्लाह ने अली को भेजा था, आपने क्यों वापस किया था? अल्लाह ने अली को भेजा था, आपने क्यों वापस किया था? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने अर्ज की सरकार मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, मैं अली पाक मौला को चाहता हूं, मैं उनसे प्यार रखता हूं, मगर आज मामला कुछ ये था कि आपने दुआ फरमाई अल्लाह उसको भेज दे जो तुझे अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा हो। मैंने सोचा, मैंने चाहा कि ये तो अली पाक है, अहले बैत से है, इनका तो मामला ही जुदा है, ये तो हमा वक्त साथ रहते हैं, इनके बिस्तर पर रसूल सोते हैं, ये रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोते हैं, इन्हें सरकार दस्तरखान पर बिठाते हैं, सरकार इन्हें साथ सफर में लेके जाते हैं, इन्हें सवारी पे रदीफ बनाते हैं, इन पर इनायत की नजर रखते हैं। मैंने सोचा ये तो हमा वक्त फजीलत पा लेते हैं, इन्हें तो ये शरफ हासिल रहता है, मैं चाहता था कि आज मेरी बिरादरी से मेरे रिश्तेदारों में से कोई बंदा आ जाए, उसे ये शरफ मिल जाए, इसलिए मैंने पहली बार भी उन्हें कहा कि सरकार मसरूफ बैठे हैं, बारे दिगर भी यही की कि सरकार मसरूफ बैठे हैं, मैं चाहता था मेरी बिरादरी का बंदा आ जाए। भाई इतनी बड़ी बात पर भी नबियों के सुल्तान ने, रसूलों के मुर्शिद ने, सबके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया अनस तुम्हारी यह जसारत कि तुम हमारे होते हुए अपनी तरफ से कोई बात कर दो, सरकार नाराज नहीं हुए, तबस्सुम फरमाया और फरमाया हां अपनी बिरादरी से मोहब्बत रखना अच्छी बात है, लेकिन फरमाया इस अनस का हाल देख ये चाहता था कि मेरी बिरादरी का बंदा आ जाए और अल्लाह चाहता था कि मोहम्मद मुस्तफा की बिरादरी का बंदा आ जाए। जाग रहे हैं? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कोई और बंदा तो इस पर गवाही नहीं था। कहते मैं दौड़कर मौला अली पाक के हजूर में हाजिर हो गया, मैंने अर्ज की सरकार मुझसे खता हो गई है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर शर्त यह है आप मुझे माफ करेंगे तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। फरमाया आपने आपको माफ किया है, खुशखबरी क्या है? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हजूर में दुआ की थी, अल्लाह उसे भेज दे जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता हो, तो मैं समझ गया अल्लाह को प्यारो प्यारे तो बहुत हैं, मगर बज़्मे कायनात में अली जैसा कोई भी। इसके बाद जो रिवायत मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मेरा यकीन है आपको उसे बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आ रहे हैं, अगर 57 मील सफर हो यानी 92 किलोमीटर 92 कमोबेश 92 किलोमीटर का सफर हो, तो जब तक आप शहर में रहते हैं तो जब तक अपने शहर में दाखिल ना हो, अगर देहात में रहते हैं तो जब तक अपनी यूनियन काउंसिल में दाखिल ना हो, आप नमाज कसर पढ़ेंगे, 4 की जगह 2 पढ़ेंगे। यह सफर था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सरकार सफर में थे, वापस तशरीफ ला रहे थे, करीब पहुंच चुके थे, मगर अभी मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार और मदीना के दरख्त नजर नहीं आ रहे थे। अचानक सरकार कस्बा से उतरे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम है कस्बा। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कस्बा, वो कस्बा अलग है, इस सवारी का नाम कस्बा नहीं कस्बा है। ये बड़ी शानदार सवारी है, बुखारी मुस्लिम तर्मजी
नसाई, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, हदीस की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें किसी न किसी हवाले से इस ऊंटनी का तज़किरा मौजूद ना हो। इसका रुतबा जन्नत की बुर्राक से ज्यादा है। जाग रहे हैं? इसे कसवा कहते हैं। ये अरबी जबान बोलती थी, कलाम करती थी, ये शरीयत का इल्म रखती थी। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। ये ऊंटनी शरीयत का इल्म रखती थी, ये अरबी बोलती थी। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत कदाए अकदस से बाहर तशरीफ लाते, इसके पास पहुंचते तो ये बताया करती थी कि आज आपके दरवाजे पे कौन रोया है। तफसील तलब रिवायात है इसकी शान व अजमत में। जाग रहे हैं आप? तो मैं कुछ अर्ज करूं। वाह वाह, इसे कसवा कहते हैं। आज सिर्फ इतना सुन लीजिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे महशर बुर्राक मेरे दरवाजे पे खड़ा होगा। बुर्राक, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। हर साहिब तकवा की कब्र के दरवाजे पर बुर्राक होगा। अल्लाह फरमाते हैं हम इनको सवार करके ले जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मजार के दरवाजे पर बुर्राक खड़ा होगा। जब रोजे माशर सुबह माशर को मैं अपने मजार से बाहर आऊंगा तो दो चीजें सामने होंगी, काबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा और सर झुकाए बुर्राक खड़ा होगा। मेरे सलाम करने के लिए काबा पहुंचेगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह तो बनती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, सरकार आप तो बुर्राक पर सवार होंगे, फिर कस्वा पर कौन सवार होगा? फरमाया, कस्वा पर मेरी शहजादी सैयदा जहरा सवार होगी। हाय हाय, लजपाल आप बुर्राक पर बैठेंगे, कस्वा पर सैयदा को बिठाएंगे। फरमाया, मैं फिर अपने रब से कहूँगा, मेरी बेटी आ रही है हसन व हुसैन के खून आलूद कुर्ते उठाकर, और मैं तेरी बारगाह में उम्मत की बख्शिश का सवाल कर रहा हूँ। हाजरीन मोहतरम, कोई नहीं बख्शा जाएगा हुब्बे अहले बैत के बगैर। आज सफर है, आलम है सफर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बे से उतरे, हुक्म फरमाया, अजान दीजिए, नमाज हो जाए। असर की नमाज थी, चार रकात नमाज, आज दो पढ़ना थी, कसर नमाज, दो रकात नमाज पढ़ना थी। हुक्म हुआ कि काफिला रोका जाए, आजान दी जाए, इकामत हो और नमाज होगी। ये मर्जी के मालिक हैं, चाहे तो सूरज रोककर मदीना जाके नमाज पढ़े, चाहे तो काफिला रोककर यही उम्मत को शरीयत सिखाए। मालिक को मुख्तार है। फरमाया, काफिला रोकिए, काफिला रुक गया, आजान हो गई, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल ये था कि असर की पहली रकातों में, पहली दो रकातों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 आयात के बराबर तिलावत फरमाते थे, और जोहर की पहली दो रकातों में हर रकात में, पहली दो रकातों में हर रकात में 30 आयात के बराबर तिलावत फरमाते थे। नमाज सूरतुल कौसर से भी हो जाती है, मगर मामूल ये था। हाजरीन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आसर का आगाज किया। तकबीर उला हो गई, सफ़े बनाई जा चुकी थी, सफ बस्ता सारे सहाबा इकराम खड़े हो गए। वो असल नमाज थी, मेरी नमाज तो सिर्फ रस्म नमाज है। लोग सहाबा इकराम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, पहली रकात इस कदर तवील हो गई, नमाज लंबी हो गई, के कयाम बढ़ता चला गया। तिलावत सरकार भी, चूंकि जाहरी तिलावत तो थी नहीं, सिरी थी, असर की नमाज थी भाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकात को लंबा कर दिया। सहाबा किराम फरमाते, इस कदर तवील हो गया, 20 आयात तो कहां, अब तो सिपारे से भी बात ऊपर चली गई। नमाज में, रकात में सरकार हजूर मुसल्ला पर थे, इस कदर तवील रकात हो गई। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें यकीन हो गया कि अब वही आएगी कि पीछे किसी ने नियत कर रखी है। अल्लाह के दीदार में मुस्तगरक हो गए, मुनहमिक हो गए, तवज्जो उस तरफ हो गई है।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम फरमाते हमारा ख्याल ये था कि सरकार को ये याद भी नहीं रहा कि किसी ने पीछे नमाज शुरू कर रखी है, कोई नियत करके पीछे भी खड़ा है, वो उधर मसरूफ हो गए और हम हजूर का दीदार करके खुश हो रहे थे। सफर की थकन उतर चुकी थी, नमाज जारी थी, हमारा यकीन था कि सूरज गरूब नहीं होगा, हबीब किबरिया नमाज में है। भाई वक्त की नब्ज पर सैयदुल अंबिया का हाथ है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार नमाज पढ़ाते जा रहे हैं, रकात तवील हो गई, सिलसिला तूल पकड़ गया और पहली रकात थी लंबी रकात हो गई और जब नमाज लंबी हो गई सहाबा किराम फरमाते हम खड़े रहे, फिर जाकर नमाज को हुजूर रकू में चले गए, दूसरी रकात को मुख्तसर किया, अत्तहियात में बैठे, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फौरन कहा अईना अखी, मेरा भाई कहाँ है, सुभान अल्लाह तो फरमा दीजिए, फरमाया के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज सहाबा किराम पढ़ रहे थे, अत्तहियात हुआ, सलाम फेर दिया, सलाम फेरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया अईना अखी, मेरा भाई कहाँ है। जब फरमाया ना मेरा भाई कहाँ है, जाग रहे हैं आप या नहीं, हाय हाय, जो लोग पीछे बैठे थे वो कौन थे, सहाबा किराम थे, तो सबने ये क्यों नहीं कह दिया कि हम आपके भाई बैठे हैं, कुरान मजीद तो उन्होंने पढ़ रखा था, कुरान तो ऐलान कर रहा है इन्नमल मोमिनून इख्वा, बेशक सारे अहले ईमान भाई हैं। आप जो कहते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई का फर्क होता है, सारे तो बैठे थे, जब फरमाया आईना अखी, मेरा भाई कहां है, खामोशी छाई हुई थी, फिर फरमाया आईना इब्नो अम्मी, मेरे चचा का बेटा कहां है, खामोश थे, फिर इरशाद फरमाया आईना अली, अली कहां है, जब फरमाया ना अली कहां है, आखिरी सफ से मेरे मुर्शिद उठे, मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजह करे उठे और अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार मैं हाजिर हूं, मैंने अर्ज की, फिर वो लब्बैक कह रहे हैं तो कह देते लब्बैक या अखी, हाय हाय, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, भाई अर्ज करते लब्बैक या अखी, मेरे भाई मैं हाजिर हूं, क्या ये बात हदीस के खिलाफ थी, बिल्कुल खिलाफ ना थी, कुरान और सुन्नत इसकी ताईद कर रहा है, हजूर ने उन्हें भाई कहा है, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, मगर सरकार ने कहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह के कलेमा से अपनी हाजिरी पेश की, सरकार मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल मैं हाजिर हूं, हाजरीन मोहतरम जब कहा ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार मैं हाजिर हूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली आप नमाज में कहां थे, सरकार में नमाज में था, फरमाया पहली सफ में, अर्ज की लजपाल आपने अचानक हुक्म फरमाया कि काफिला रोकिए नमाज का वक्त है, तो काफिला रुका और नमाज का वक्त था, आपने जो फैसला फरमाया वही बेहतर था, मेरे मशकीजे में पानी खत्म था, मेरे साथियों के पास नहीं था, इनका वजू था, ये सफ में खड़े हो गए, मैंने वजू का इरादा किया, मैं वजू करने के लिए निकला, मैंने कुछ फासला तय किया, अभी मैं कुछ कदम चला था, फासला तय किया था, चश्मा दूर था, मैं चश्मे की जानिब बढ़ रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ वक्त चाहिए था, दो लोग मिले मुझे नूरानी चेहरे वाले, खूबसूरत चेहरे वाले, मैंने देखा कि दो शकील खूबसूरत शक्ल दो खूबसूरत भाई हुस्न जमाल वाले मैंने देखा, जो साहिब हुस्न जमाल थे उन्होंने मेरी तरफ एक नजर की और मुझसे फरमाने लगे या अली हम आपको वजू कराने के लिए आए हैं, एक के हाथ में वजू वाले पानी का बर्तन था और दूसरे के हाथ में तौलिया और रुमाल था, उन्होंने हसीन जमील चेहरे वालों ने कहा कि आप वजू कर लीजिए, मैं पत्थर पर बैठ गया, एक ने मुझे वजू कराना शुरू कर दिया, वजू मुकम्मल हुआ,
तो दूसरे ने, मैंने कपड़ा उठाना चाहा, दूसरे ने मुझे तौलिया दे दिया और कहा कि इससे आप आजाए बदन को खुश कर लें, आजाए वुजू को खुश कर लें। मैंने कतरात आपको उस तौलिया में समेटा, मैंने आजाए वुजू को उससे खुश किया। सरकार एक ने वुजू कराया तो दूसरे ने मुझे तौलिया रुमाल पेश किया, और जब मैंने उस मुस्तमल पानी के कतरे उस तौलिए में समेट लिए तो उन्होंने फिर मुझसे कहा जाइए अभी सरकार नमाज में है और रकात जारी है, आप जाकर शामिल हो जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली पानी कैसा था? अर्ज की सरकार पानी जब मेरे आजाए बदन से बहता था खुशबू मेरी रूह की गहराई तक उतर जाती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के पीर ने फरमाया, रसूलों के मुर्शिद ने फरमाया, कायनात के सुल्तान ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सयाह लामका ने फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया या अली वो जो पानी लेके आए थे वो वही वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन थे, वो जो तौलिया रुमाल लेके आए थे वो रिज्क की तकसीम पर मामूर फरिश्ते हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, और जिन्होंने कयामत का ऐलान करना है वो इसराफील मेरे कंधे के साथ खड़े थे और मेरे कंधे पे हाथ रख कर कहते थे या रसूल अल्लाह नमाज को लंबा कीजिए अभी अली नहीं आए, रकात को तूल दीजिए अभी अली नहीं आए, नारे तकबीर तूल दीजिए, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात है, क्या बात है। रकात को तूल दीजिए अभी अली नहीं आए, तिलावत को तूल दीजिए अभी अली नहीं आए, नमाज को लंबा कीजिए अभी अली नहीं आए। मुझे इसराफील बराबर कहते रहे कि अभी अली नहीं आए, अभी अली नहीं आए। अल्लाह फरमा रहा है रकात को लंबा कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जब आप शामिल हो गए सफ में आकर तो अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा, इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि अल्लाह फरमा रहा है अपनी मर्जी से नमाज को मुकम्मल कीजिए। अब अली सफ में शामिल हो गए, मुझे कहने दीजिए ये कैसा घराना है, ये कैसे लोग हैं, ये किस मकाम के लोग हैं अहले बैत। जब तक ये नमाज में शामिल ना हो रसूलुल्लाह मुसल्ला पर है, भाई ये मोहब्बत के फैसले हैं, ये प्यार के फैसले हैं, ये उल्फत के फैसले हैं, ये उनसियत के फैसले हैं, ये मानूसियत के फैसले हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता और इनायत के फैसले हैं, हसद यहाँ कबूल नहीं है। हुक्म मौला ये है आप अपनी रकात को लंबा कीजिए ताकि उम्मत को पता चल जाए किन के लिए रकातें तवील हो रही हैं, तिलावतें तवील हो रही हैं, नमाजें पढ़ती चली जा रही हैं, और फिर तवील रकात हो गई। ये है नमाज इस्लाम का अहम रुकन, दीन का अहम रुकन। जिन अहले बैत का रुतबा और मकाम नमाज में इतना है, दीन में और इस्लाम में उनका असर और रसूख कितना होगा। जाग रहे हैं आप या नहीं? हम एतराफ करते हैं सहाबा किराम की अजमत का, हमारा ईमान उनके बगैर मुकम्मल नहीं है। हजूर वाला, मैंने इस थोड़े से अरसा में जो मुख्तसर सीखा है, मैं क़िबला हजूर की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ। इस्लाम में कुछ शख्सियतें इताअत के लिए थी और कुछ एहतराम के लिए थी। जो इताअत के लिए थी उनका हम एहतराम करते हैं, जो इताअत के लिए थी उनका हम एहतराम करते हैं, और जो एहतराम के लिए थी उनकी इताअत करते हैं। काश उम्मत को असल मसले का पता चल जाता। हजूर का हर सहाबी जन्नती क्यों नहीं है जिसका हर उम्मती जन्नती है? जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे? जिनका हर उम्मती जन्नती है उनका हर सहाबी जन्नती क्यों नहीं है? कमजोर बातों का कोई फायदा नहीं होता।
क्या जिनका हर उम्मती जन्नती है उनके हर सहाबी के जन्नती होने में क्या मसला हो सकता है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ हाजरीन मोहतरम, चूंकि हमारा एक तरीका है कि हम लानत का नारा लगाने को, ये नहीं कि शरीयत में जायज नहीं है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं? आयत मुबाहला के आखिर में अल्लाह क्या फरमा रहा है, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, इसमें कोई नहीं, ये सही है, लेकिन हमारा तरीका ये है कि हम सरकार पर उनकी आल पर दरूद भेजते हैं, चूंकि हमें पता है जब हम इन पर दरूद भेजते हैं तो बाकी लोगों की जरूरतें उनके घर के मिजाज के मुताबिक पूरी हो जाती है। इन शानिया का हुआ अबतर का उसूल दायमी है। सुभानअल्लाह, फरमा दीजिए बात को आगे चले। लेकिन जब अहले बैत की बात हो रही हो ना, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आप में वसत कल्बी है, आप अच्छे लोग हैं, आप आशे के रसूल हैं, आप चाहते हैं अल्लाह को, उसके रसूल को और रसूलुल्लाह की नस्बत वाली हर चीज की ताजीम करते हैं, लेकिन जब अहले बैत की बात हो रही हो ना, कोई और मुतालबा ना किया करो। ये मेरी दरख्वास्त है, मैं नाराज नहीं हूं आपसे। अदब का तकाजा ये है, जब अली की बात हो रही हो ना, अली सहाबी भी है क्या? इमाम हसन पाक सहाबी नहीं है क्या? इमाम हुसैन पाक सहाबी नहीं है? हैं? सबकी अजमत को सलाम, तमाम सहाबा इकराम, उनकी ताजीम, उनकी इज्जत करना उम्मत पर लाजिम है। 15वीं सदी में किसी को यह हक नहीं है कि तान व तशनी से, तंज व तनकीद से काम ले। एतराफ हमारे जिम्मे है, हम गुलाम हैं, गुलामों का काम गुलामी करना है, बेअदबी करना नहीं है। और इस मस्जिद का नाम गौसिया है। महबूब सुभानी, हाय हाय, जागदे बैठे हो से। तो हाजरीन मोहतरम, नमाज मुकम्मल हो गई, थोड़ा सा अब इजाजत है मैं आगे बढ़ूं। सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अच्छा एक रिवायत फजीलत में और हो जाए, कारी तालिब हुसैन मेहरवी साहब की इजाजत के साथ। मेरा दिल खुश था, मेरा यकीन है त्वरा हानि ठरसी। ये रौदतु शुहदा की रिवायत है जो अब मैं आपको बयान कर रहा हूं, यह भी फजीलत पर है। एक सहाबी रौदतु शुहदा में एक सहाबी ने एक हरनी का बच्चा शिकार किया, दिलकश दिल आवेज आली नसल, उसने देखा कि इसकी कीमत तो कोई नहीं अदा करेगा, मुझे क्यों ना हो ऐसी जगह दे दूं जहां जाके बिकड़ी बन जाए। उसने वो कीमती बच्चा हरनी का खूबसूरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा पेश कर दिया। सरकार ने फरमाया हसन को बुलाइए, मेरे नबी के घर का नवाब बेटा, उम्मत का सुलो पसंद इमाम। सुभान अल्लाह, फरमा दे इमाम हसन पाक मौला हसन, वो बचपन वो नाज तशरीफ लाए, हाजिर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरनी का बच्चा उन्हें थमा दिया, कहा ये ले जाओ, इससे अपना दिल बहलाओ, कितना अच्छा लगता है। लेके घर चले गए, अपनी पसंद की चीज बच्चे अपनी मां को दिखाते हैं, उनकी मां जैसा तो है ही कोई नहीं। वो हरनी का बच्चा लेकर बारगाह में हाजिर हो गए और अपनी मां के हजूर में, अम्मी जान के हजूर में पेश कर दिया। कायनात की सैयदा खातून ने देखा तो वहां एक और नवाब बैठा था, एक और शाह बैठा था, एक और सखी बैठा था, एक और सुल्तान बैठा था। वो खड़े हो गए, हसन भैया ये हरनी का बच्चा कहाँ से आया है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने, नाना हजूर ने मुझे दिया है। अच्छा, सिर्फ हसन की नाने पर नहीं चलती, हुसैन की भी चलती है, आपकी चलती है तो हमारी भी चलती है, आपको मिला है, कोई बात नहीं मैं भी जा रहा हूं। आ गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अदब से बैठ गए, सलाम अर्ज किया, बैठ गए। सरकार ने थोड़ी हिलाई, साथ बिठाया, आगोश में बिठा लिया और फिर फरमाया हुसैन
आ गए जी हजूर आ गए। फरमाया कैसे आना हुआ? सरकार जी चाह रहा था कि मैं अल्लाह के रसूल की जियारत करके आऊं, इसलिए हाजिर हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया हुसैन अच्छा हरनी का बच्चा पसंद आया है? हाय हाय, जन्नत तक इनकी शराकत दारी है भाइयों की, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया पसंद आया है तो अर्ज की सरकार बहुत पसंद आया है। हजूर ने ठोड़ी हिलाई, रुखसारों को चूमा, माथे को बोसा दिया, चाहते थे कि हुसैन की आंखों से कोई आंसू ना जारी हो सके। दिल बहला रहे थे, तसल्ली दे रहे थे और बातें कर रहे थे। साहबा इकराम फरमाते इतने में हमने देखा कि हरनी एक दूसरे बच्चे को लेकर महफिल में हाजिर हो गई, महफिल में हाजिर हुई और सलाम अर्ज किया। उस हरनी ने फसी अरबी जबान में सलाम के बाद अर्ज किया, सरकार मेरा एक बच्चा गिरफ्तार हो गया और एक मेरे पास दूध पी रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा शिकार किया गया बच्चा कहां पहुंचा है। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा और अल्लाह ने फरमाया हमने तुझे दो बच्चे दिए थे और मेरे हबीब के दो बेटे हैं, एक बच्चा तो पहुंच गया है और दूसरा बच्चा तो खुद पहुंचा दे, हम तुझे जियारत का मौका दे रहे हैं और मेरे महबूब की महफिल में अपना बच्चा पहुंचाने में ताखीर न करना, कहीं हुसैन बज में बैठ कर रो न पड़े। ये हरनी कहती है सरकार जब मैं आ रही थी, रौदतुल शुहदा के अल्फाज देखिए, मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो आसमान के सारे फरिश्ते मेरे बच्चे की जियारत कर रहे थे। यजीद क्या चाहता था? यजीद इस्लाम, यहूदीयत और नसरानियत को मिलाकर एक और दीन बनाना चाहता था। वो एक नए दीन की सनअत, वो एक नए दीन की सनअत जारी करना चाहता था, दीन साजी कर रहा था। वो जाग रहे हैं। यजीद की मां ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यजीद की मां का इस्लाम साबित नहीं है, बिनते मैसून उसका इस्लामी नाम भी हमारी मालूमात में नहीं है। जब उसने इस्लाम उसका साबित ही नहीं है तो इस्लामी नाम कैसे रखा गया? मैं मौलवियों से गुजारिश करता हूं अगर गिला करना हो तो यजीद की मां का किया करो। अगर तुम्हारी तहकीक का निश्तर बहुत ही तेज हो गया है तो खुदारा पाकीजा नफूस की तरफ ना बढ़ो। लंगर तो हुसैन का काफी है, सुभानअल्लाह फरमा दीजिए। यजीद की मां बिनते मैसून अपने घर में बैठकर अपने शौहर के खिलाफ जबान दराजी कर रही थी, वो नसरानियुल मजहब थी। अहले किताब के साथ निकाह की इजाजत है बशर्ते कि वो मुशरिक ना हो, अगर अहले किताब मुशरिक हो जाए फिर निकाह नहीं हो सकता। जो नसरानी तीन खुदाओं के कायल है उनसे निकाह नहीं होता, उसके लिए भी शर्त है कि वो मुशरिक ना हो। नसरानियुल मजहब थी यजीद की मां, निकाह हो गया उसका, लेकिन इस घर में बैठकर वो अपने चचा के बेटे को अच्छा कह रही थी और अपने शौहर के खिलाफ जबान दराजी कर रही थी। तो कनीज ने राज खोल दिया तो साहबी रसूल ने तलाक दे दी। ये तलाक याफ्ता औरत अपने खानदान में नसारा में वापस चली गई और यजीद की सारी तरबियत नसरानियों में हुई। यजीद के दो बड़े दोस्त हैं, अख्तल तारीख अरब का बदतमीज और बदतरीन शायर, वो भी नसरानी है। यजीद का दूसरा दोस्त सेंट जॉन, वो भी नसरानी है। दोनों उसके बड़े दोस्त नसरानी है। आप तकाबुल में किसको ला रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कभी आपने गौर किया आप क्या कर रहे हैं? नसरानियुल मजहब औरत का बेटा, तलाक याफ्ता औरत का बेटा, नसरानियुल मजहब का बेटा, उसके दोस्त नसरानी है, आप किसके तकाबुल में उसका जिक्र करते हैं? यहां तो जिक्र ही मुनासिब नहीं है।
इस्लाम के तमाम मकातब फिक्र इस बात पर गवाह है दोस्ताने अजीज के जन्नत का बादशाह है हुसैन, यजीद जहन्नम का ईंधन है और हुसैन जन्नत का बादशाह है। जाग रहे हैं या नहीं? मैं समझता हूं शायद मेरे लहजे में कुछ तलखी आ गई है, लेकिन मैं आपके साथ उधार नहीं कर सकता। अगर कोई यजीद की तारीफ कर रहा है तो मैंने कलमा पढ़ा है मदीने वाले का, मेरे जिम्मे है कि मैं हुसैन की खिदमत में नौकरी पेश करूं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। मैं एक जुमला और कहना चाहता हूं, ये आप पर कर्ज है, इसको समझना। लोग बराह रास्त यजीद की तारीफ नहीं कर सकते आपके खौफ की वजह से। उनका दिल करता है कि वो यजीद को कुछ ना कुछ जरूर कहें, आपकी खौफ की वजह से नहीं कर सकते। फिर वो इधर उधर की बातें करते हैं। किसी ना किसी तरीके से अहले बैत की नामूस पर हमला किया जाए, इससे इन रवैयों से बाज आना होगा। ये रवैये बद मजहबियत और बद अकीदगी को हवा दे रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि ये अहले सुन्नत अहले मोहब्बत अहले बैत के मसले में कमजोर है। आप ये तासर देना चाहते हैं कि क्या हम यजीद के बारे में कोई नरमी रखते हैं? अगर किसी के दिल में यजीद के बारे में नरमी है, वो ईमान के नूर से अपना सीना मुनव्वर नहीं रख सकता। मैं पूरी तसल्ली से अर्ज कर रहा हूं, यजीद इस्लाम का इंसानियत का दुश्मन है। इस वक्त आप तारी इस वक्त पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं, हिंदू क्या कह रहे हैं सलाम या हुसैन, सिख क्या कह रहे हैं सलाम या हुसैन, और बुत परस्त क्या कह रहे हैं सलाम या हुसैन, आतिश परस्त क्या कह रहे हैं सलाम या हुसैन, हनूद यहूद नसारा और मजूद सारे कह रहे हैं सलाम या हुसैन, दुनिया भर के तमाम तमाम तहजीबें कह रही है सलाम या हुसैन, पूरा आलम इंसानियत कह रहा है सलाम या हुसैन। मैं समझता हूं दीन के तालिब इल्म की हैसियत से सलाम उसको फायदा देता है जो हजूर को आखिरी नबी मानता हो, जो सरकार को आखिरी नबी ना मानता हो उसे ये सलाम कहना आखिरत में फायदा मंद नहीं होगा। बेशक उसी को फायदा होगा जो सरकार को आखिरी नबी मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं हर मजहब में सलाम या हुसैन की सदा उठ रही है, यानी मेरा मुर्शिद हुसैन पाक वो है जिसे हर मजहब में सलाम पेश किया जा रहा है, हुसैन वो है जिसे हर मजहब में माना जा रहा है, और हुसैन वो है जिसको मानने वाले हर मजहब में मौजूद हैं, और यजीद को मानने वाले सिर्फ मुसलमानों में मौजूद हैं। क्यों अब आप डर गए हैं? भाई किसी मजहब में कोई साबित तो करे कि कोई यजीद को मानने वाला मौजूद हो। अब इस दौर में सिर्फ मुसलमानों में मिलते हैं। मालूम होता है कि शैतान ने हमारी गठड़ी ताक रखी है। और उसका जवाब क्या है? मैं इस मिल्लत के जवानों से उम्मीद रखता हूं कि ये किसी के वरगलाने में नहीं आ सकते। इन्होंने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, किसी मौलवी का नहीं पढ़ा। हम ना गुस्ताख हैं ना गुस्ताख पसंद हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके बेटों की ताजीम को अपना ईमान समझते हैं। आप कहते हैं कि हम रोते क्यों हैं? आपको भी यह दर्द नसीब हो जाए तो मालूम हो जाएगा कि हम क्यों रोते हैं। करबला में मेरे मुर्शिद मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के 18 बेटे जवान हुए, करबला में 9 शहीद हो गए। मेहमानों की आमद है तो आवाजें बुलंद के साथ नारे की जरूरत है। बैठो ना, वो करो ना, मैं तो सिद्ध हूँ, मेरी मेरी मन
माशाल्लाह अहले मोहब्बत के दिलों पर राज करने वाली शख्सियत और शायरी मदासराई और हुस्न बयान में लबो लहजा की शीरीनी में और अल्फाज के जेरो बम में अपने मिसाल आप और बहुत ही नादिर व नायाब शख्सियत जिनकी कदर इस दौर के लोगों पर लाजिम है और जिनका वजूद मसूद इस वक्त हुब्बे नबी और हुब्बे आले नबी के ज़िम्न में गनीमत और नेमत है। और मैं समझता हूँ कि वो बात जो तकरीरों में नहीं हो सकती वो ये शायरी में भी बड़ी खूबसूरत अदायगी में कर जाते हैं। और मैं समझता हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी इजाज़त से मैं बात को समेटने की कोशिश में हूँ। मेरे इमाम आका मौला हुसैन इमाम जन्नत मकाम आपकी एक जौजा है, उनका नाम है शहरबानो, जो सैयद सज्जाद की अम्मी हजूर हैं। ये ईरान के बादशाह यज़दगर्द की बेटी हैं। अरबी तलफ़ुज यज़दगर्द है तो वो गाफ को जीम और जीम पे जम्मा पढ़ते हैं लेकिन हमारी ज़बान में यज़दगर्द पढ़ा जाता है। आदिल नौशेरवान की पोती यज़दगर्द की बेटी कैदी बनकर मदीना मुनव्वरा में आए तो हाज़रीन मोहतरम हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये ईरान के बादशाह की बेटी हैं, ये शहज़ादी है, इनका निकाह जिसके साथ होगा वो शहज़ादा है। आपको सुभानअल्लाह की इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला नुमा जवान थे, ख्याल हुआ कि अब्दुल्ला बिन उमर से निकाह होगा। आसिम बिन उमर भी जवान थे, ख्याल हुआ कि आसिम बिन उमर शहजादा है, उनसे निकाह होगा। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो भी मौजूद थे, ख्याल हुआ कि उनके साथ निकाह होगा। लेकिन जब अगला रोज आया तो फरमाया ये ईरान के बादशाह की बेटी है, ईरान की किसरा की शहजादी है, इनका निकाह मदीने के शहजादे से होगा और वो हैं इमाम हुसैन इब्न अली। जाग रहे हैं आपने फरमाया लेकिन हमारा ये उसूल है कि हम पहले नाम रखते हैं, इनका नाम क्या है? उन्होंने कहा जिनका नाम है जहान बानो। जहान बानो का मतलब बानो ए जहान यानी सैयदतुल आलम, कुल जहान के औरतों की सरदार। ये लफ्ज सैयदा है, सैयद है, या के नीचे जेर पढ़ना जरूरी है, इसे या की जबर के साथ पढ़ना गलत है, सैयद नहीं पढ़ा जा सकता, माना मुतजाद हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सैयद है, इसे सकता इस पे जायज है, सैद पढ़ सकते हैं, सैद पढ़ सकते हैं, सैयद नहीं पढ़ सकते, सैयद पढ़ना वाजिब है। सैयदतुल आलम तमाम जहान की औरतों की सरदार, इसका नाम है बानुए जहान। उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए, फरमाया इनके लिए यह नाम हमें कबूल नहीं है, सैयदे कायनात कुल जहान की सरदार खातून, फरमाया वो एक हैं, वो हैं पाक हुसैन की अम्मी। सुभानअल्लाह की इजाजत है आपको। फरमाया बानुए जहान है सैयदा पाक जहरा सलामुल्लाह अलैहा, और फरमाया ये है उनकी जौजा, तो इनका नाम फरमाया हम रखते हैं सैयदतुल मदीना यानी शहर बानो। ये पहली जौजा,
इसी तारुफ में मैं अपने जुमले मुकम्मल कर लूंगा। दूसरी जौजा है उम्मे लैला। उम्मे लैला कहा जाता है इसमें मुबारक लैला है, वो यजीद के खानदान से है, कुराबादार ही है उस तरफ से रिश्ते हैं। ये शाहजादा अली अकबर शबीह हुस्न मुस्तफा की अम्मी हजूर है। और तीसरी खातून है उम्मे रुबाब। ये जो उम्मे रुबाब है, मेरे आका हुसैन को अपनी बीवियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत इन्हीं से थी, सबसे ज्यादा मोहब्बत इन्हीं से थी, उम्मे रुबाब से। पता है ये किसकी अम्मी है? ये सैयदा सकीना की अम्मी जान है। हाय हाय, ये अली असगर की अम्मी जान है। मैं उस वक्त का शेर आपको सुना रहा हूं, उस वक्त का जब शाहजादा अली असगर की विलादत नहीं हुई थी, जब शाहजादा अली असगर की विलादत नहीं हुई थी, ये रुबाब मदीना मुनव्वरा में थी, अहले बैत के हरम पाक में। इतनी मोहब्बत थी सरकार मौला हुसैन पाक को इनके साथ। एक रोज उम्मे रुबाब के मेके उन्हें पहुंचा के आए, यानी शाहजादी सकीना अरबी तलफ्फुज सुकैना है, हम अपनी जबान में सकीना पढ़ते हैं। शाहजादी सकीना के ननियाल अपनी जौजा को पहुंचा के आए। तो अभी दो रातें इस जिम्न में गुजर गई, यानी दो रातें गुजर गई, तीसरा दिन था। आप घर में बैठे थे इमाम अली मकाम, और आपने घर में बैठे उनके लिए जो अशार कहे, मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं। इसे आमियाना जो कंसेप्ट है उसमें न लीजिएगा, इसका जो दूसरा मिसरा है उसमें गम का तूफान है। तो आज मसाइब में सिर्फ उसी दूसरे मिसरे को ही काफी समझिएगा। वो जो शेर आपने कहा ना उम्मे रुबाब के लिए, वो दूसरे मिसरे में कोई गम था। उस वक्त हाजरीन उसको, जो घर के मौजूदीन थे, उसको नहीं समझ सकते थे। वो बसीरत इमाम थी उस शेर में। और आपने फरमाया लामरु के, अपनी बेटी सैयदा सुकैना सैयदा सकीना का तसव्वुर करके फरमा रहे, लामरु के इन्नी लाउहिब्बु अर्दन तहमिलु अलैहि सुकैना वर रुबाब, के मुझ हुसैन को तो अल्लाह की कसम और शाहजादी सकीना की जिंदगी की कसम, मुझ हुसैन को तो उस जमीन से भी प्यार हो जाता है जिस धरती पर मेरी बेटी के कदम हों और मेरी बेटी की मां रुबाब के कदम हों। उस धरती से प्यार है मुझे। अभी शाम बहुत दूर है, अभी मदीना है, फरमा रहे हैं उस धरती से उस जमीन से प्यार है। तहमिलु अलैहि सुकैना वर रुबाब। और दूसरे शेर में पता है क्या फरमाया? फरमाया ये जो दो रातें गुजरी हैं, इन दो रातों में एक दिन तुलू हुआ है, वो दिन दूसरे लोगों के घरों में तुलू हुआ है, वो सूरज हुसैन के घर में तुलू नहीं हुआ। मेरे तो घर में उस दिन सूरज ही तुलू नहीं होता जिस दिन मैं अपनी बेटी सकीना का दीदार न कर लूं। अल्लाह ताला हमसे राजी हो, ऐसा राजी हो कि फिर कभी नाराज ना हो। आपके होते हुए मैंने जसारत की है, अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। बहुत ही दिल नवाज शख्सियत है और आप खूब जानते हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए। और सादात किराम, बानियान महफिल, मुंतजमीन और रूह महफिल, हाजरीन महफिल, ऐ अल्लाह हम सब को कबूल फरमा ले। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।